श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 15 श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उन्माद। कृष्ण के लिए हार्दिक और उन्मत्त प्रेम के सागर को समझना बहुत मुश्किल है, चाहे देवता ब्रह्मा ही क्यों ना हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं के माध्यम से खुद को उस सागर में डुबो दिया और उनका हृदय उस प्रेम में लीन हो गया। इस प्रकार उन्होंने कृष्ण के लिए अलौकिक प्रेम की उच्च स्थिति को विविध तरीकों से प्रदर्शित किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को नमन। दिव्य आनंद से परिपूर्ण शरीर वाले भगवान नित्यानंद को नमन। भगवान चैतन्य को अति प्रिय श्री अद्वैत आचार्य की जय हो और श्रीवास ठाकुर इत्यादि महाप्रभु के भक्तों की जय हो। इस तरह भगवान कृष्ण के अथाह प्रेम में डूबे हुए श्री चैतन्य महाप्रभु दिन रात अपने को भूल जाते थे। महाप्रभु तीन प्रकार की चेतना, 1 पूर्ण भावस्थली भाव में निमग्न, 2 आंशिक बाह्य चेतना और 3 पूर्ण बाह्य चेतना का अनुभव करते थे। सच कहूं तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो सदैव भाव विभोर स्थिति में ही रहते थे, लेकिन जिस तरह कुम्हार का चाक बिना उसके छुए भी घूमता रहता है, उसी तरह स्नान करना, जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु मंदिर जाना और भोजन करना जैसे उनके शारीरिक क्रियाकलाप स्वयं चलते रहते थे। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में भगवान जगन्नाथ को देख रहे थे तो उन्हें जगन्नाथ जी साक्षात नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण के रूप में दिखाई दिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान जगन्नाथ में साक्षात कृष्ण के होने का एहसास हुआ तब महाप्रभु की पांचों इंद्रियां भगवान कृष्ण के पांचों गुणों के आकर्षण में तुरंत विलीन हो गईं। ठीक वैसे ही जैसे रस्साकसी में रस्सा होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु का एक मन भी पांच दिशाओं में भगवान कृष्ण के पांच अलौकिक गुणों से आकर्षित हो रहा था। अतः महाप्रभु अचेत हो गए। इसी दौरान भगवान जगन्नाथ का उपला भोग समारोह खत्म हुआ और जो भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मंदिर गए थे वे उन्हें घर वापस ले आए। उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति में स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय उपस्थित थे। महाप्रभु ने दोनों के गले में हाथ डालकर विलाप करना शुरू कर दिया। जब श्रीमती राधारानी कृष्ण के वियोग में अत्यंत व्यथित हो गईं, तो उन्होंने विशाखा को अपनी महान चिंता एवं व्याकुलता के कारण बताते हुए एक श्लोक कहा। उसी पद को उद्धृत कर श्री चैतन्य महाप्रभु ने मन की व्यथा प्रकट की। तब उन्होंने अत्यधिक विलाप करते हुए स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को उस पद की व्याख्या सुनाई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपियों के दिल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों जैसे भले ही मजबूत हैं, पर कृष्ण के सौंदर्य रूपी अमृत सागर की लहरों ने उन्हें भी डुबो दिया है। उनकी मीठी आवाज उनके कानों में जाकर उन्हें दिव्य आनंद देती है। उनके शरीर का स्पर्श करोड़ों करोड़ों चांद के ठंडक से भी ठंडा है और उनके शरीर की सुगंध का अमृत पूरी दुनिया को भर देता है। हे सखी, नंद महाराज के बेटे बने श्री कृष्ण, जिनके होंठ अमृत जैसे मीठे हैं, वे मेरी पांचों इंद्रियों को जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य, उनके शब्दों की ध्वनि और उनकी बांसुरी की ध्वनि, उनका स्पर्श, उनकी सुगंध और उनके होठों का स्वाद, ये सभी अवर्णनीय मिठास से भरे हुए हैं। जब ये सभी विशेषताएं एक साथ मेरी पांच इंद्रियों को आकर्षित करती हैं, तो मेरी सभी इंद्रियां मेरे मन के एक ही घोड़े पर सवार होकर पांच अलग अलग दिशाओं में जाना चाहती हैं। हे सहेली, मेरे दुख का कारण सुनो। मेरी पांचों इंद्रियां असंयमी होकर धूर्तापूर्ण व्यवहार करती हैं। वे अच्छी तरह जानती हैं कि कृष्ण पूर्ण परमेश्वर हैं, परंतु वे फिर भी श्री कृष्ण की संपत्ति को लूटना चाहती हैं। मेरा मन एक अकेला घोड़ा है जिस पर दृष्टि सहित पांच इंद्रियां सवार हैं। हर इंद्रिय उस घोड़े पर सवार होना चाहती है। इस तरह वे मेरे मन को एक साथ पांच दिशाओं में खींचती हैं। तो ये किस दिशा में जाएगा? यदि वे सभी एक साथ खींचेंगी तो निश्चित रूप से घोड़ा अपनी जान गंवा देगा। क्या मैं इस क्रूरता को सहन कर सकती हूँ? हे सखी, यदि तुम कहती हो कि अपनी इंद्रियों को काबू में करने का प्रयास करो तो मैं क्या कहूँ? मैं अपनी इंद्रियों पर नाराज नहीं हो सकती। क्या यह उनका दोष है? कृष्ण का रूप सौंदर्य, शब्द, स्पर्श, सुगंध और स्वाद स्वभाव से ही बहुत आकर्षक है। ये पांचों गुण मेरी इंद्रियों को आकर्षित कर रहे हैं और इनमें से हर एक मेरा मन को अलग अलग दिशा में खींच ले जाना चाहता है।
इस तरह मेरे मन की जान बहुत खतरे में है, जैसे कि एक घोड़े पर सवार होकर पांच दिशाओं में एक साथ जाने की कोशिश की जाए। इस तरह मैं भी मरने के खतरे में हूँ। तीनों लोकों में हर स्त्री की चेतना एक ऊंचे पर्वत की तरह है, लेकिन कृष्ण की सुंदरता की मिठास एक सागर के समान है। उस सागर की एक बूंद भी पूरी दुनिया में बाढ़ ला सकती है और चेतना के सभी ऊंचे पर्वतों को डुबो सकती है। श्री कृष्ण के मधुर और परिहासपूर्ण वचन ऐसी मादकता रखते हैं जो हर स्त्री के दिल में तूफान ला देती है। उनके ये शब्द स्त्रियों के कानों को अपनी मधुरता से बांध लेते हैं। इस तरह उनके कानों में खींचतान मच जाती है और उनकी जान निकल जाती है। कृष्ण का दिव्य शरीर इतना शीतल है कि इसकी तुलना चंदन के लेप या करोड़ों चंद्रमाओं से भी नहीं की जा सकती। ये कुशलतापूर्वक सभी महिलाओं के उभरे हुए पर्वतों जैसे स्तनों को आकर्षित करता है। वास्तव में कृष्ण का दिव्य शरीर तीनों लोकों की सभी महिलाओं के मन को अपनी ओर खींचता है। कृष्ण के शरीर की सुगंध कस्तूरी की महक से भी ज्यादा मदहोश करने वाली है और नीले कमल की सुगंध से भी कहीं बढ़कर है। ये सुगंध दुनिया भर की सभी महिलाओं की नाक में प्रवेश करती है और वहां अपना घर बनाती है और इस तरह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। कृष्ण के होंठ इतने मधुर हैं कि जब उनकी मंद मुस्कान से कपूर की खुशबू मिलती है तो वे सभी महिलाओं के मन को आकर्षित करते हैं और उन्हें बाध्य करते हैं कि वे बाकी सभी आकर्षणों का परित्याग कर दें। अगर कृष्ण की मुस्कान की मिठास नहीं मिल पाती तो इससे बहुत अधिक मानसिक कठिनाइयां और दुख होते हैं। यह मिठास ही वृंदावन की गोपियों की इकलौती संपत्ति है। इस तरह बोलने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय और स्वरूप दामोदर की गर्दन पकड़ ली। फिर प्रभु ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरी बात सुनो। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कृष्ण को पाने के लिए मैं कहां जा सकता हूं? कृपा करके तुम दोनों मुझे बताओ कि मैं उन्हें कैसे पा सकता हूं। इस प्रकार दिव्य पीड़ा में डूबे हुए श्री चैतन्य महाप्रभु दिन प्रतिदिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय की संगत में विलाप करते रहे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी गीत गाते थे और रामानंद राय जी उपयुक्त श्लोक पढ़ते थे, जिससे महाप्रभु जी का आनंद बना रहता था और वे उन्हें शांत रख पाते थे। भगवान को विशेष रूप से बिल्वमंगल ठाकुर द्वारा रचित कृष्ण करनामृत, विद्यापति की कविता और जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित श्री गीत गोविंद को सुनना पसंद था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही इन पुस्तकों से श्लोक सुनाते और गीत गाते तब महाप्रभु को अत्यंत आनंद मिलता था। एक दिन समुद्र के तट पर जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचानक एक फूलों का बगीचा देखा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पुष्पवाटिका को वृंदावन समझकर तुरंत उसमें प्रवेश किया। कृष्ण प्रेम में डूबकर वे पूरे बगीचे में घूमते रहे और कृष्ण को ढूंढते रहे। जब रास के नृत्य के समय कृष्ण राधा रानी को लेकर छुप गए तब गोपियां जंगल में भटकती हुई उन्हें ढूंढती रहीं। उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उस पुष्पवाटिका में घूमते रहे। गोपियों के भाव में लीन होकर श्री चैतन्य महाप्रभु इधर उधर विचरण करने लगे। वे सारे वृक्षों और लताओं को श्लोक सुनाते हुए कृष्ण के बारे में पूछने लगे। गोपियों ने कहा, हे चूत वृक्ष, प्रियाल, पनस, आसन और कोविदार, हे जंबू वृक्ष, हे अर्क वृक्ष, हे बेल, बकुला और आम, हे कदम्ब, हे नीप और यमुना तट पर दूसरों के कल्याण के लिए खड़े अन्य सभी वृक्षों, कृपा करके हमें बताओ कि कृष्ण कहाँ गए हैं। हम अपना मन खो चुकी हैं और लगभग मर चुकी हैं। हे सर्वमंगलकारी तुलसी के पौधे, तुम भगवान गोविंद के चरणों के अति प्रिय हो और वे तुम्हें खूब चाहते हैं। क्या तुमने कृष्ण को यहाँ तुम्हारे पत्तों की माला पहने और भोरों के झुंड से घिरे हुए चलते देखा है? हे मालती, मल्लिका, जाति और युतिका फूलों के पौधे, क्या तुमने कृष्ण को तुम्हें आनंद देने के लिए अपने हाथों से तुम्हें छूते हुए देखा है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे आम के पेड़, हे कटहल के पेड़, हे पियाल, जामुन और कोविदार के पेड़ों, तुम सभी पवित्र स्थान के निवासी हो, इसलिए कृपया दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो। क्या तुमने कृष्ण को इधर आते देखा है? कृपा करके हमें बता दो कि वे किधर चले गए हैं और हमारे प्राणों की रक्षा करो। जब वृक्षों ने उत्तर नहीं दिया तब गोपियों ने अनुमान लगाया कि चूंकि ये सारे वृक्ष पुरुष जाति के हैं अतएव अवश्य ही ये कृष्ण के मित्र होंगे।
वृक्षों से ये पूछने का क्या फायदा कि कृष्ण कहाँ गए हैं? चलो लताओं से पूछते हैं, वो स्त्रियां हैं और हमारी सहेलियां जैसी हैं। इन्होंने कृष्ण को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए ये जरूर बताएंगी कि कृष्ण कहाँ गए हैं। इस प्रकार अनुमान लगाते हुए गोपियां तुलसी के नेतृत्व में पौधों और लताओं से पूछताछ करने लगी। हे तुलसी, हे मालती, हे युथी, माधवी और मल्लिका, तुम सबको कृष्ण अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए वे तुम्हारे नजदीक अवश्य आए होंगे। तुम सब हमारी सहेलियों जैसी हो, कृपा करके हमें बताओ कि श्री कृष्ण कहाँ गए हैं और हमारे प्राणों की रक्षा करो। जब फिर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो गोपियों ने सोचा, ये सारी लताएं कृष्ण की दासी हैं और डर के मारे ये हमें नहीं बताएंगी। तब गोपियों ने मृगियों को देखा। कृष्ण के शरीर से फैली खुशबू और मृगियों के चेहरों को देखकर गोपियों ने उनसे पूछा कि क्या कृष्ण पास में हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला, हे मृगी, भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम लीला कर रहे थे, जिससे उसके उभरे हुए सीने पर लगा कुमकुम श्री कृष्ण की कुंद फूलों की माला पर चिपक गया है। उस माला की सुगंध यहाँ बह रही है। हे प्रिय सखी, क्या तूने कृष्ण को अपनी सबसे प्यारी संगिनी के साथ इस तरफ से जाते और तुम सबों की आंखों के आनंद को बढ़ाते देखा है? हे मृगी, श्री कृष्ण को तुम्हें खुशियां देने में हमेशा खुशी होती है। कृपा करके हमें बताओ कि क्या वे श्रीमती राधा रानी के साथ इसी रास्ते से गए थे? हमें लगता है कि वे जरूर इसी रास्ते से आए होंगे। हम कोई बाहरी नारी नहीं है, श्रीमती राधा रानी की प्यारी सहेलियां होने के कारण हम दूर से ही कृष्ण की शारीरिक सुगंध को जान सकती हैं। कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को आलिंगन में लिया और राधा रानी के वक्षस्थलों में लगा कुमकुम चूर्ण उनके शरीर पर पहनी गई कुंद माल में मिल गया है। इस माला की सुगंध ने पूरे वातावरण को सुवासित कर दिया है। भगवान कृष्ण ने ये स्थान छोड़ दिया है, इसीलिए मृगों को विरह का दुख सता रहा है। वे हमारे शब्दों को सुन नहीं पा रहे हैं, तो वे उत्तर कैसे दे सकते हैं? तब गोपियां अनेकों वृक्षों के पास गईं, जिनकी शाखाएं फलों और फूलों से इस कदर लदी हुई थीं कि वे धरती को छू रही थीं। गोपियों को लगा कि चूंकि सभी पेड़ों ने कृष्ण को अपने पास से गुजरते देखा होगा, इसलिए वे उन्हें सादर प्रणाम कर रहे हैं। निश्चित करने के लिए गोपियों ने पेड़ों से पूछा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे वृक्षों, कृपा करके हमें बतलाओ कि क्या बलराम जी के छोटे भ्राता कृष्ण ने इधर से जाते हुए श्रीमती राधा रानी के कंधे पर अपना एक हाथ रखे हुए तथा दूसरे हाथ में कमल लिए हुए और तुलसी दलों की सुगंध से उन्मत्त भौरों के समूह से पीछा किए जाते हुए तुम्हारे प्रणाम का स्वागत प्रेममयी दृष्टि से किया है? अपनी प्रियतमा के चेहरे पर भौरों को बैठने से रोकने के लिए उन्होंने उन्हें अपने हाथ में लिए कमल के फूल से दूर भगा दिया और इस प्रकार उनका मन कुछ विचलित हुआ। जब तुम लोगों ने उन्हें प्रणाम किया तो क्या उन्होंने उस ओर ध्यान दिया? कृपा करके अपने शब्दों के लिए सबूत दो। कृष्ण के वियोग ने इन सेवकों को अत्यंत दुखी कर दिया है। अपनी होश हवास खोकर ये हमें किस तरह उत्तर दे सकते हैं? ये कहते हुए गोपियां यमुना नदी के तट पर कदम रखा। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण को एक कदम्ब वृक्ष के नीचे देखा। अपने होठों पर बांसुरी रखकर खड़े कृष्ण, जिन्होंने करोड़ों कामदेवों को मोहित किया था, अपनी असीम सुंदरता से पूरी दुनिया की आंखों और मन को अपनी ओर खींच रहे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण की दिव्य सुंदरता देखी तो वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि समस्त भक्तगण पुष्पवाटिका में उनके पास आ गए। ठीक वैसे ही जैसे कि पहले भी देखा गया था, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य प्रेमावेश के लक्षणों को प्रकट देखा। यद्यपि वे बाहर से अस्थिर व अशांत दिख रहे थे, परंतु भीतर से वे दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। एक बार फिर सारे भक्तों ने मिलकर प्रयत्न करके श्री चैतन्य महाप्रभु को फिर से होश में ला दिया। उसके बाद महाराज जी उठे और इधर उधर घूमने लगे और चारों ओर निहारने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए हैं? अभी अभी मैंने उन्हें देखा था और उनके सौंदर्य ने मेरी आंखों और मन को मोह लिया है। मैं पुनः क्यों नहीं देख सकता कृष्ण को अपने होठों पर मुरली रखे हुए? मेरी आंखें उन्हें एक बार फिर से देखने की आशा से इधर उधर भटक रही हैं।
तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नीचे दिया श्लोक सुनाया, जो श्रीमती राधा रानी ने अपनी प्रिय सहेली विशाखा से कहा था। हे प्रिय सखी, कृष्ण के शरीर की चमक नवनिर्मित बादल से भी अधिक तेज है और उनका पीतांबर चमकीली बिजली से अधिक आकर्षक है। उनके सिर पर मोरपंख सुशोभित है और उनके गले में मोतियों से बनी चमकदार माला पड़ी हुई है। जब वे अपने होंठों पर मोहक बांसुरी रखते हैं तो उनका चेहरा पूर्ण शरदकालीन चंद्रमा की तरह सुंदर दिखता है। ऐसे मनमोहक सौंदर्य से युक्त कामदेव को मोहित करने वाले मदन मोहन मेरे उनको देखने की इच्छा को बढ़ा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, श्री कृष्ण का रंग चमकीले अंजन जैसा है। ये रंग नए बादल से ज्यादा खूबसूरत और नीले कमल फूल से भी ज्यादा कोमल है। ये रंग दिखने में इतना अच्छा है कि हर किसी के मन और आंखों को अपनी तरफ खींच लेता है। ये रंग इतना गहरा और तेज है कि इसकी तुलना किसी भी दूसरी चीज से नहीं की जा सकती। मेरी प्रिय सहेली, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? कृष्ण एक अद्भुत बादल की तरह आकर्षक हैं और मेरी आंखें चातक पक्षियों के समान हैं, जो प्यास के मारे मर रहे हैं क्योंकि वे ऐसा बादल नहीं देख पा रही हैं। कृष्ण का पीला वस्त्र आकाश में चंचल बिजली की तरह चमक रहा है। उनके गले का मोतियों का हार बुदबुदाते बादल के नीचे उड़ रहे सारसों की पंक्ति जैसा लग रहा है। उनके सिर पर मोर का पंख और उनकी वैजयंती माला, पांच रंगों के फूलों की माला, इंद्रधनुषों के समान सुशोभित हैं। श्री कृष्ण के तन की चमक बिना दाग वाले पूर्णिमा के चांद सी सुंदर है और उनकी बांसुरी की धुन नई नई घिरती हुई काली घटा के गरजने जैसी मिठास घोले है। जब वृंदावन के मोर उस खनक को सुनते हैं तो उनका डांस शुरू हो जाता है। कृष्ण की लीलाओं के बादल ने अपनी अमृत वर्षा से 14 लोकों को तर कर दिया है, परंतु जब वह बादल दिखाई दिया, दुर्भाग्यवश एक प्रचंड तूफान आया और उसे मुझसे दूर उड़ा ले गया। उस बादल को न देख पाने के कारण मेरे चकोर रूपी नेत्र प्यास से लगभग मर चुके हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रोंधे गले से फिर से कहा, हाय हाय राम राय, तुम चरणामृत गाते रहो। तब रामानंद राय ने एक श्लोक का गान करना शुरू किया। इस श्लोक को सुनकर कभी प्रभु अत्यंत उल्लसित हो जाते तो कभी विलाप से व्याकुल हो जाते। अंत में प्रभु ने स्वयं उस श्लोक का अर्थ समझाया। हे कृष्ण, केशों से सुशोभित आपके सुंदर मुख को, आपके गालों पर लटकते कुंडल की शोभा को, आपके होंठों के अमृत समान सौंदर्य को, आपकी हंसीली चितवन को, अभयदान करने वाली आपकी भुजाओं को तथा दाम्पत्य प्रेम को जागृत करने वाले आपके चौड़े वक्ष को देखकर हमने आपकी दासी बनना स्वीकार कर लिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चंद्रमा और कमल पर विजय पाने के बाद कृष्ण ने मृग जैसी गोपियों को पकड़ना चाहा, इसलिए उन्होंने अपने सुंदर चेहरे को जाल की तरह फैला दिया और गोपियों को फंसाने के लिए उसमें अपनी मधुर मुस्कान का चारा रख दिया। गोपियां उस जाल की शिकार बन गईं और अपने घर, परिवार, पति और प्रतिष्ठा का त्याग करके कृष्ण की सेविकाएं बन गईं। हे मेरी सहेली, कृष्ण एक शिकारी की तरह व्यवहार करते हैं। ये शिकारी पुण्य या पाप की चिंता नहीं करता। वह मादा हरिण जैसी गोपियों के हृदय के कोने कोने पर विजय प्राप्त करने हेतु तरह तरह के उपाय करता है। कृष्ण के गालों पर मकर के आकार के कुंडल नृत्य करते हैं और वे बहुत चमकते हैं। इन नृत्य करने वाले कुंडलों में स्त्रियों का मन आकर्षित होता है। इसके अतिरिक्त कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान की तीरों से स्त्रियों के दिलों को घायल करते हैं। स्त्रियों को इस तरह मारने से उन्हें कोई डर नहीं है। कृष्ण के सीने पर श्रीवत्स चिन्ह जैसे आभूषण हैं, जो लक्ष्मी के वास का सूचक है। उनका सीना, जो एक लुटेरे के सीने की तरह चौड़ा है, लाखों व्रज की स्त्रियों के मन और सीने को बलात् आकर्षित करता है। इस प्रकार वे सभी परम पुरुषोत्तम भगवान के दास बन जाते हैं। कृष्ण की दोनों सुंदर भुजाएं बड़ी बांह वाले शेरों की तरह हैं। वे काले सनाकाओं के शरीर से भी मिलती जुलती हैं, जो स्त्रियों के दो पर्वताकार स्तनों के बीच की संधि में प्रवेश करके उनके हृदयों को डस लेते हैं। तब स्त्रियां विष के कारण मर जाती हैं। कपूर, खसखस और चंदन की शीतलता के संयोग से भी ज्यादा ठंडक कृष्ण की हथेलियों और उनके चरणों के तलवों से मिलती है। उनकी शीतलता लाखों करोड़ों चंद्रमाओं से भी बढ़कर और मन को लुभाने वाली है। अगर कोई स्त्री इनके एक बार भी संपर्क में आ जाए तो तुरंत उसका मन मोहित हो जाता है और कृष्ण के लिए उसकी काम वासना की विषमयी ज्वाला नष्ट हो जाती है।
प्रेमावश होकर शोक करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु तत्पश्चात निम्नलिखित श्लोक का पाठ किया, जो कि श्रीमती राधा रानी ने अपनी सहेली श्रीमती विशाखा से अपनी अंतर्मन की पीड़ा को प्रकट करने के लिए कहा था। हे सखी, कृष्ण का वक्षस्थल इंद्रनील मणि से बने द्वार की तरह चौड़ा और आकर्षक है, ठीक उसी तरह जैसे उनकी दोनों बाहें जंजीरों की तरह मजबूत हैं, जो युवतियों की काम वासनाओं से उत्पन्न मानसिक चिंताओं को दूर करने में सक्षम हैं। उनका शरीर चंद्रमा, चंदन, कमल के फूल और कपूर से भी ठंडा है। इस प्रकार कामदेव को प्रसन्न करने वाले मदन मोहन मेरे स्तनों की इच्छा को बढ़ा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु तब बोले, अभी अभी मुझे कृष्ण मिले थे, पर दुर्भाग्य देखिए, फिर से खो गए। स्वभाव से श्री कृष्ण अति चपल हैं। वे एक स्थान पर नहीं ठहरते, किसी से मिलते हैं, उसको मोहते हैं और फिर अंतर्धान हो जाते हैं। गोपियां अपने अपार सौभाग्य को लेकर घमंड करने लगी। उनकी श्रेष्ठता के भाव को दूर करने और उन पर अपनी विशेष कृपा दिखाने के लिए केशव, जिन्होंने ब्रह्मा जी और शिव जी तक को वश में किया है, रासलीला से अचानक गायब हो गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से बोले, कृपया मेरे हृदय को सचेत करने के लिए एक गीत गाओ। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने गीत गोविंद का निम्नलिखित पद अत्यंत मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। यहाँ रास नृत्य के क्षेत्र में मैं कृष्ण को याद करती हूँ, जिन्हें हास परिहास करना और लीलाएं करना सबसे प्यारा है। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह खास पद गाया तो श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत उठे और प्रेम के वशीभूत होकर नाचने लगे। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में आठों प्रकार के सात्विक भाव प्रकट हो गए, साथ ही शोक और हर्ष से लेकर 3300 व्यभिचारी भाव भी प्रकट हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भावोदय, भाव संधि और भाव शाबल्य जैसे सभी भाव लक्षण जाग उठे। फिर भावों में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा और उनमें से हर एक प्रधान बन गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से वही पद बार बार गाने के लिए कहा। वे पद जितनी बार गाते महाप्रभु को नया आनंद प्राप्त होता और वे बार बार नाचने लगते। जब महाप्रभु बहुत देर तक नृत्य करते रहे तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने वो पद गाना बंद कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार कह रहे थे, आगे बढ़ो, गाओ, गाते रहो, किंतु महाप्रभु की थकान देखकर स्वरूप दामोदर ने उसका गायन फिर से शुरू नहीं किया। जब भक्तों ने महाप्रभु को गाते रहो कहते सुना तो वे सब उनके चारों ओर एकत्र हो गए और एक साथ हरिनाम का कीर्तन करने लगे। उस समय रामानंद राय ने प्रभु को बैठाया और पंखा झलकर उनकी थकान दूर की। तब सभी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को समुद्र तट पर ले गए और उन्हें स्नान करवाया। अंत में वे उन्हें वापस घर ले आए। महाप्रभु जी को दोपहर का भोजन कराने के बाद उन्हें लेटने के लिए कहा गया। फिर रामानंद राय सहित सभी भक्त अपने अपने घरों को लौट गए। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की उस मनभावन पुष्प वाटिका में बिताई लीला का वर्णन किया, जहां वो गलती से वृंदावन समझकर प्रवेश कर गए थे। वह उन्होंने दिव्य उन्माद और प्रलाप दिखाया, जिसका श्री रूप गोस्वामी ने अपनी स्तवमाला में इस प्रकार सुंदर ढंग से वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों में सर्वोच्च हैं। कभी कभी समुद्र तट पर टहलते हुए वे पास में ही एक सुंदर उद्यान देखते और उसे वृंदावन का जंगल समझ बैठते। इस प्रकार वे कृष्ण प्रेम से पूर्ण रूप से अभिभूत हो जाते और पवित्र नाम का कीर्तन और नृत्य करने लगते। जब वे कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते तो उनकी जीभ लगातार चलती रहती। क्या वे फिर से मेरी आंखों के सामने प्रकट होंगे? श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, उन्हें ठीक से लिखना संभव नहीं है। मैं परिचय के उद्देश्य से उनका संकेत मात्र कर सकता हूँ। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।